गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, वेदमाता गायत्री शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अपन जो कृषि रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं, इसमें पिछली जो क्लास थी अपन की, उसमें चट्टानों के अपक्षय से संबंधित टॉपिक का अध्ययन किया था। और चट्टानों का अपक्षय तीन प्रकार से होता है, यानी चट्टानों का अपक्षय का मतलब टूटना। चट्टानें तीन प्रकार से टूटती हैं, तीन कारक निर्भर करते हैं, भौतिक या यांत्रिक कारकों के माध्यम से, और दूसरा है रासायनिक अपक्षय और तीसरा है जैविक अपक्षय। तो भौतिक अपक्षय अपन ने पढ़ लिया था पूरा, अब आज की जो क्लास होगी उसमें अपन इनके बारे में चर्चा करेंगे। भौतिक रासायनिक अपक्षय के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे, रासायनिक अपक्षय। रासायनिक अपक्षय, रासायनिक नाम है इसका अपक्षय, केमिकल वेदरिंग। रासायनिक अपक्षय केमिकल वेदरिंग है। और रासायनिक अपक्षय के अंतर्गत चट्टाने और खनिज पदार्थ, इनका टूटना होता है, मूल रूप में रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक पदार्थों में परिवर्तन होता है वो, और नया पदार्थ बन जाता है, उस घटना को भी कहते हैं रासायनिक अपक्षय। चट्टानों और खनिज पदार्थों के मूल रूप में, चट्टानों और खनिज पदार्थों के मूल रूप में रासायनिक संगठन, रासायनिक संगठन में परिवर्तन, रासायनिक संगठन में परिवर्तन के फलस्वरूप, रासायनिक संगठन में परिवर्तन के उपरांत नया पदार्थ बनता है का बनना रासायनिक अपक्षय कहलाता है। यानी कि चट्टानों और खनिज पदार्थों के मूल रूप में रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है, उस घटना को ही कहा जाता है रासायनिक अपक्षय। मूल रूप से नया पदार्थ बन जाता है तो रासायनिक अपक्षय कहलाता है। रासायनिक अपक्षय जल की उपस्थिति होने के कारण तेज हो जाता है। ये जो घटना है ये जल की उपस्थिति में तेज होती है, जल की उपस्थिति में तीव्र गति से होता है। जल की उपस्थिति में किसके तीव्र गति से होता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इसकी गति मरु प्रदेशों की अपेक्षा अधिक होती है। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में इसकी गति मरु प्रदेशों की अपेक्षा ज़्यादा होती है, क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ नमी की मात्रा ज़्यादा होती है। यहाँ क्या मिलेगा भाई? नमी अर्थात जल मिलेगा। और यहाँ मरु प्रदेश जो अपने जैसलमेर बाड़मेर का जो इलाका है, नागौर का जो इलाका है, वहाँ पानी नहीं मिलेगा, इसलिए रासायनिक अपक्षय होने की संभावना वहाँ कम है। जबकि पूर्वी राजस्थान में चले जाएंगे ज़्यादा होगा, जहाँ नमी मिलेगी वहाँ रासायनिक अपक्षय होने की दर ज़्यादा होगी। तो रासायनिक अपक्षय के प्रकार देखते हैं अब। तो पहले रासायनिक अपक्षय की परिभाषा लिख लें, आप नोट कर लें, तो अपनी नोटबुक खोल लें और लिखें आप रासायनिक अपक्षय, टॉपिक डाल लें और लिखें इसमें चट्टानों व खनिज पदार्थों के रासायनिक संगठन में परिवर्तन, चट्टानों व खनिज पदार्थों के रासायनिक संगठन में परिवर्तन, रासायनिक संगठन में परिवर्तन
चट्टानों व खनिज पदार्थों के रासायनिक संगठन में परिवर्तन के फलस्वरूप नया पदार्थ बन जाता है या नए पदार्थ बनने की परिवर्तन के फलस्वरूप नए पदार्थ बनने की प्रक्रिया नया पदार्थ बनने की प्रक्रिया परिवर्तन के फलस्वरूप नया पदार्थ बनने की प्रक्रिया को रासायनिक अपक्षय कहते हैं को रासायनिक अपक्षय कहते हैं रासायनिक अपक्षय कहते हैं नीचे लिखना रासायनिक अपक्षय कहते हैं। यह प्रक्रिया जल की उपस्थिति में तीव्र होती है। यह प्रक्रिया जल की उपस्थिति में तीव्र होती है। जल की उपस्थिति में तीव्र होती है। नीचे लिखेंगे रासायनिक अपक्षय की दर। रासायनिक अपक्षय की दर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की अपेक्षा मरुप्रदेशों में कम पाई जाती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की अपेक्षा मरुप्रदेशों में कम होती है। अब आता है रासायनिक अपक्षय किस किस कारण से कितने किस किस प्रकार से होता है। तो नीचे लिखेंगे आप लाइन बदल करके रासायनिक अपक्षय निम्नलिखित प्रकार से होता है या निम्न प्रकार से होता है। रासायनिक अपक्षय निम्न प्रकार से होता है। नंबर एक जल अपघटन। नंबर एक है जल अपघटन वाटर हाइड्रोलाइसिस। जल अपघटन इसके अंदर क्या होता है। जल अपघटन में जल का अणु टूटता है। जल के अणु का क्या होता है। जल के अणु का मतलब H2O टूटता है और H प्लस और OH माइनस आयनों में बदल जाता है। ये जो H प्लस आयन है ये चट्टान के धनायन को विस्थापित करता है और नया यौगिक बनाता है। चट्टान के धनायन को विस्थापित करता है और नया यौगिक बना लेता है। अब चट्टान के धनायन को विस्थापित कर देता है नया यौगिक बना लेता है। इस जल का अणु क्या हो रहा है टूट रहा है इसलिए इसे कहते हैं जल अपघटन। अपघटन का मतलब टूटना। तो जल का अणु टूटता है और फिर ये चट्टान के धनायन को क्या कर देता है खनिज के धनायन को क्या कर देता है चट्टान या खनिज के धनायन को क्या कर देता है विस्थापित कर देता है उसके साथ में जुड़ जाता है। जैसे है KaNSi3O8 ये एक खनिज है ऑर्थोक्लेज। क्या नाम है इसका ऑर्थोक्लेज। इसके साथ में जब जल जुड़ता है HOH या H2O लिख सकते हैं इसे H2O भी लिख सकते हैं। तो ये जुड़ता है इसके साथ में जल है ये इसका H प्लस आयन K को क्या कर सकता है विस्थापित। तो AlSi3O8 प्लस KOH तो ये नया पदार्थ बन गया है यहाँ। तो इस चट्टान का क्या हो गया अपक्षय अम्लीय सिलिकेट मृदा हो गई है और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। इसका नाम तो क्या हो गया अम्लीय सिलिकेट मृत्तिका और ये हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड।
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये कुछ सूत्र हैं, आपकी बुक्स में ज़्यादा नहीं आएंगे तो कुछ हैं वो याद रखने हैं आपको। अब ये है, ये दूसरे जल का अणु इसके साथ में जुड़ता है और दूसरा जल का अणु जुड़ करके फिर इसका अपघटन कर देता है, तो अर्थात जल का अणु क्या कर रहा है, दोहरा अपघटन कर रहा है। जल का अणु दोहरा अपघटन कर रहा है, जैसे एच ए एल एस आई 3O8 प्लस एच ओ एच, तो ये बन जाता है Al2O3 Al2O3 3H2O, ठीक है ना, डॉट 3H2O, ये बॉक्साइट बन जाता है भाई, बॉक्साइट। और फिर क्या बच गया भाई, सिलिकन बच गया, तो H2SiO3 H2SiO3, ठीक है ना, ये यौगिक बना लेता है सिलिसिक अम्ल H2SiO3 सिलिसिक अम्ल। अभिक्रिया को संतुलित करके लिख देंगे, ठीक है ना, ऊपर वाला समीकरण तो संतुलित है, नीचे वाला संतुलित करके लिख देंगे, 2, 8 और ये 6, ठीक है। तो इस प्रकार अपन लिख सकते हैं। तो जल क्या काम कर रहा है भाई, दोहरा अपघटन हो रहा है जल का, तो जल H प्लस और OH यानी हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में टूट जाता है, और ये आयन हाइड्रोजन आयन है ये उस खनिज या चट्टान के धनायन को विस्थापित कर देता है और नया यौगिक बना लेता है, फिर उसका भी पुनः अपघटन हो जाता है जल के दूसरे अणु द्वारा। इस प्रकार जल क्या कर रहा है, जल एक दोहरा अपघटन प्रक्रम है, तो इसमें दोहरा अपघटन हो रहा है, पहले अपघटन यहाँ हो गया, फिर इसका इसमें अपघटन बन गया, तो इसका भी अपघटन हो जाता है, फिर ये बॉक्साइट बन जाता है। तो ये आप लिखेंगे अब जल अपघटन के बारे में, टॉपिक डालेंगे जल अपघटन, तो इसके बारे में लिखेंगे आप, जल का अणु हाइड्रोजन आयन यानी H प्लस, जल का अणु हाइड्रोजन आयन H प्लस कोष्ठक में लिख लेना, तथा हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस, हाइड्रोजन आयन H प्लस तथा हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस में टूट जाता है, मैं टूट जाता है और सॉरी टूट जाता है जिससे चट्टाने निर्बल हो जाती हैं, चट्टाने निर्बल हो जाती हैं और यह H प्लस आयन, यह H प्लस आयन चट्टानों के धनायन को, यह H प्लस आयन चट्टानों के धनायन को विस्थापित कर देता है, चट्टानों के धनायन को विस्थापित करके रासायनिक संगठन बदल देता है, और नया यौगिक बना लेता है जैसे ये समीकरण उतारेंगे पहले ऊपर वाला,
ये समीकरण उतारेंगे पहले, ठीक है, फटाफट उतारें। नीचे लिखेंगे अब, जल अपघटन एक दोहरा प्रक्रम है, दोहरा अपघटन प्रक्रम है, जल अपघटन एक दोहरा अपघटन प्रक्रम है, दोहरा अपघटन प्रक्रम है, ठीक है। नीचे वाला समीकरण लिखेंगे अब इसमें, जैसे ये नीचे वाला समीकरण उतार देंगे, ये तो था जल अपघटन का पॉइंट। अब आता है जल योजन, दूसरा पॉइंट है जल योजन, दूसरा पॉइंट आएगा जल योजन। जल योजन, जल अपघटन में तो जलकाणु टूट रहा था और इसमें जलकाणु जुड़ेगा भाई, जल योजन में जलकाणु जुड़ जाता है किसी चट्टान या खनिज के साथ में, जल के अणु के जुड़ने से उसका रासायनिक संगठन बदल जाता है और इस प्रकार चट्टान का क्या हो जाता है, अपक्षय हो गया, कहने का मतलब रासायनिक संगठन बदल जाता है। तो ये घटना नमी वाले प्रदेशों में ज़्यादा होती है, नमी वाले प्रदेशों में ज़्यादा होती है शुष्क प्रदेशों की तुलना में। तो जैसे Fe2O3+H2O, ठीक है ना, लाल हीमेटाइट है, इसका नाम क्या है भाई, लाल हीमेटाइट, और ये बदल जाता है इसके साथ में जलकाणु जुड़ जाता है तो पीला लाइमोनाइट में बदल जाता है, Fe2O3.3H2O पीला लाइमोनाइट, पीला लाइमोनाइट, ठीक है ना, इस प्रकार ये बदल जाता है। तो इसमें जल के अणु का क्या हो गया, योग हो जाता है, जल योजन का मतलब जल के अणु का जुड़ना। इसी प्रकार CaSO4 है प्लस H2O, कैल्शियम सल्फेट है इसके साथ में जुड़ जाता है तो ये कैल्शियम सल्फेट .2H2O, ठीक है, तो ये कैल्शियम सल्फेट ये बन गया जिप्सम, ये क्या बन जाता है जिप्सम। यहाँ तो था ये कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट, और यहाँ बन जाता है ये जिप्सम, जिप्सम, ये जल है ये आपको। तो इस प्रकार जल का अणु जुड़ गया, पहले ये यौगिक था बाद में ये यौगिक बन गया तो इसके रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो जाता है। दूसरी बात, ये नम प्रदेशों में होता है शुष्क प्रदेशों की तुलना में ज्यादा। तो लिखेंगे आप
इस प्रक्रिया में खनिजों के साथ जल के अणु के जुड़ने से उनका रासायनिक संगठन बदल जाता है। जल के अणु के जुड़ने से उनका रासायनिक संगठन बदल जाता है और नया यौगिक बन जाता है। यह घटना नम प्रदेशों में शुष्क प्रदेशों की तुलना में अधिक होती है। नीचे लिखेंगे फेल्सपार पाइरोक्सीन और एम्फीबॉल्स आदि खनिजों में यह प्रक्रिया फेल्सपार पाइरोक्सीन एम्फीबॉल्स आदि खनिजों में आसानी से होती है। फेल्सपार पाइरोक्सीन एम्फीबॉल्स आदि खनिजों में आसानी से होती है। अब ये दोनों समीकरण आप नीचे उतार देंगे, नाम वगैरह लिख लेंगे इनके, ठीक है ना। दोनों समीकरण उतार देंगे, फटाफट करें। अब जो तीसरा प्रकार है वो है विलयन सॉल्यूशन। विलयन इसके अंतर्गत जल को क्या माना गया भाई? सार्वत्रिक विलायक का मतलब है सबसे ज्यादा विलायक का उपयोग जल का ही किया जाता है किसी भी पदार्थ को घोलने में जल का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। इसमें CO2 कार्बनिक और अकार्बनिक अम्ल या लवणों के इसमें क्या मिला दिया जाए, यदि CO2 हो या फिर कार्बनिक या अकार्बनिक अम्ल या लवण ये क्या हो, इसमें घुले हुए हों तो विलायक क्षमता बढ़ जाती है या शक्ति बढ़ जाती है, इसकी विलायक शक्ति बढ़ जाती है। अब ये सोडियम पोटेशियम कैल्शियम ऐसे आयनों को क्या कर लेता है, जल में घोल लेता है। सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम आयनों को क्या कर लेता है, जल में विलय कर लेता है और उन चट्टानों को उन खनिजों से इन आयनों को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। विलयन में जैसे NaCl डालेंगे, जल में डालते हैं
तो एन ए प्लस में टूट जाएगा, सी एल माइनस में टूट जाएगा, और ये इनमें घुलेगा तो एन ए ओ एच बनेगा और एस सी एल बन जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार ये विलयन बन जाता है इनका, अर्थात एन ए ओ एच और एस सी एल का विलयन बन जाता है। तो ये विलयन लवण का है, लवण और ये जल है, और ये विलयन बन गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये इन आयनों को क्या कर देता है, तोड़ देता है विलयन के अंतर्गत घोल करके। तो लिख लें आप विलयन में, टॉपिक डालेंगे विलयन और इसमें लिखेंगे जल एक अच्छा विलायक या जल सार्वत्रिक विलायक होता है, जल सार्वत्रिक विलायक होता है, नीचे लिखेंगे इसमें CO2, इसमें CO2 कोमा कार्बनिक और अकार्बनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक अम्ल, इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक अम्ल तथा लवणों के संयोग से, के संयोग से इसकी विलायक शक्ति बढ़ जाती है, के संयोग से इसकी विलायक शक्ति बढ़ जाती है, विलायक शक्ति बढ़ जाती है, विलायक शक्ति बढ़ जाती है। नीचे लिखेंगे यह सोडियम पोटेशियम कैल्शियम आयनों को, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम आयनों को घोल करके, घोल करके उन्हें मूल खनिजों से फर्तक कर देता है, मूल खनिजों से फर्तक कर देता है, घोल करके उन्हें मूल खनिजों से फर्तक कर देता है, ठीक है। अब ये एग्जांपल उतार लेंगे आप, ये उतार लें लाइन एग्जांपल, ठीक है भाई। इसके बाद में देखते हैं चौथी कंडीशन, चौथी कंडीशन में आता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का योग होता है, ऑटो का योग। अब कोई खनिज ऑक्सीजन के साथ में योग कर ले तो ऑक्सीकरण कहलाता है। अब ये ऑक्सीकरण जो खनिज हैं, जैसे आयरन Fe, मैग्नीज SO2 के ऑक्सीकरण की दर नमी की उपस्थिति में ज़्यादा, नमी की उपस्थिति में क्या हो जाती है भाई, ज़्यादा हो जाती है, नमी की उपस्थिति में ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना। ऑक्सीकरण की दर नमी की उपस्थिति में ज़्यादा हो जाती है, तो ऑक्सीकरण के कारण यौगिकों में घुलनशीलता बढ़ जाती है और आयतन बढ़ने से अपक्षय बढ़ता है, इसके कारण यौगिकों
की घुलनशीलता। घुलनशीलता मतलब विलेयता। तथा आयतन बढ़ने से अपक्षय बढ़ता है। आयतन बढ़ने से अपक्षय बढ़ता या सरल हो जाता है। जैसे FeO ऑक्सीजन के साथ में संयोग करेगा तो Fe2O3 बना लेगा, ठीक है ना, फेरिक ऑक्साइड बना लेगा फेरस ऑक्साइड से। तो फेरिक ऑक्साइड बना लेता है, ये फेरस ऑक्साइड है, फेरस ऑक्साइड, और ये बना रहा है फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो ऑक्सीकरण टॉपिक डाल लेंगे आप और इसमें लिखेंगे खनिजों के साथ ऑक्सीजन का योग होने की प्रक्रिया। खनिजों के साथ ऑक्सीजन का योग होने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। खनिजों के साथ ऑक्सीजन का योग होने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। योग होने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। नीचे लिखेंगे आयरन मैग्नीज SO2 या सल्फाइड युक्त, ऐसे लिख लेना, SO2 मत लिखना, सल्फाइड युक्त S-2 सल्फाइड युक्त खनिजों का ऑक्सीकरण नमी की उपस्थिति में अधिक होता है। सल्फाइड युक्त खनिजों का ऑक्सीकरण नमी की उपस्थिति में अधिक होता है, ठीक है। नीचे लिखेंगे ऑक्सीकरण के कारण यौगिकों की घुलनशीलता या विलेयता, यौगिकों की विलेयता तथा आयतन बढ़ने से अपक्षय सरल हो जाता है। आयतन बढ़ने से अपक्षय सरल हो जाता है, ठीक है। अब समीकरण उतारेंगे आप, ये फेरस ऑक्साइड से फेरिक ऑक्साइड में परिवर्तन। ठीक है, ये अभिक्रिया दोनों दिशाओं में होती है भैया, ना ध्यान रखना, दोनों डबल एरो लगाना, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है ये, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है ये। आगे आता है अपचयन रिडक्शन। अपचयन ऑक्सीकरण का विपरीत प्रक्रम होता है। खनिजों से ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। यह प्रक्रम
जल की अधिकता के कारण होता है। जल की अधिकता, ऑक्सीजन निकलती है जबकि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ती है, ठीक है ना। वैसे अपन अभिक्रिया भी पढ़ते हैं तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है ऑक्सीकरण कहलाती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। तो जल की अधिकता के कारण होता है, पानी की अधिकता होती है तो ऑक्सीजन की कमी होती है। जल की अधिकता के कारण ऑक्सीजन की कमी होती है, अधिकता के कारण O2 की कमी होती है, ठीक है ना। तो इस कारण से ये प्रक्रम होता है और जिसके कारण से ये क्रिया होती है। तो Fe2O3 अभी देखा था अपन ने, दोनों तरफ तीर का निशान लगा करके FeO+O2, ठीक है ना, FeO+O2। तो ये फेरिक ऑक्साइड था, फेरिक ऑक्साइड, और ये फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड। तो इस प्रकार अपचयन में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। क्यों उत्पन्न होती है ये घटना? जल की अधिकता हो जाती है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की कमी होगी तो ऑक्सीजन बाहर निकलेगी, ठीक है। खनिजों से तो लिख लें आप इसमें, खनिजों से ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। खनिजों से ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। खनिजों से ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाती है, है ना, कहलाता है। नीचे लिखेंगे, यह प्रक्रिया पानी की अधिकता होने के कारण, यह प्रक्रिया पानी की अधिकता होने के कारण, पानी की अधिकता होने के कारण ऑक्सीजन की कमी होती है जिससे उत्पन्न होती है। पानी की अधिकता होने के कारण ऑक्सीजन की कमी होती है जिससे उत्पन्न होती है। तो ये समीकरण उतारेंगे अब आप नीचे, उदाहरण लिखेंगे इसका। इसके बाद में लास्ट पॉइंट है रासायनिक अपक्षय का, कार्बनीकरण। इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई कार्बनीकरण। कार्बनीकरण, कार्बनीकरण में क्या होता है कि जो CO2 होती है वो क्षारों के साथ जुड़ जाती है, CO2+ क्षारों के साथ जुड़ने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कार्बनीकरण। कार्बन डाइऑक्साइड का क्षारों के साथ जुड़ना कार्बनीकरण कहलाता है, यह है इसकी परिभाषा। कार्बन डाइऑक्साइड का क्षारों के साथ जुड़ने की जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं कार्बनीकरण। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से उत्पन्न होती है? ये कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है मर्दा जीवांश पदार्थ से, मर्दा जीवांश पदार्थ के अपघटन से उत्पन्न होती है, मर्दा जीवांश पदार्थ के अपघटन से उत्पन्न होती है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये जल से संयोग करेगी, जल से संयोग करके ये बना लेगी क्या? कार्बोनिक अम्ल H2CO3, कार्बोनिक अम्ल
ये कार्बोनिक जो अम्ल होता है ये दुर्बल होता है भाई, इसकी प्रकृति क्या होती है, दुर्बल होती है। और ये जो कार्बोनिक अम्ल है ये कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को क्या करता है, बाइकार्बोनेट और बाइकार्बोनेट बनाता है। तो जैसे CaCO3 के साथ में ये कार्बोनिक अम्ल जुड़ता है तो ये बना लेता है CaHCO3 whole 2 कैल्शियम बाई कार्बोनेट, तो ये बन जाता है कैल्शियम बाई कार्बोनेट, और ये कैल्शियम कार्बोनेट है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट। तो आप लिखेंगे अब इसमें लिखेंगे CO2 का क्षारों के साथ जुड़ना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लिख लो हिंदी में, लिखो तो CO2 का क्षारों के साथ जुड़ना कार्बोनीकरण कहलाता है, CO2 का क्षारों के साथ जुड़ना कार्बोनीकरण कहलाता है, कार्बोनीकरण कहलाता है। नीचे की लाइन में लिखेंगे कार्बोनीकरण कहलाता है, नीचे की लाइन में लिखेंगे CO2 जल के साथ जुड़ करके या संयोग करके, CO2 जल के साथ जुड़ करके कार्बोनिक अम्ल बनाती है, कार्बोनिक अम्ल बनाती है, CO2 जल के साथ जुड़ करके कार्बोनिक अम्ल बनाती है, कार्बोनिक अम्ल बनाती है। यह कार्बोनिक अम्ल, यह कार्बोनिक अम्ल कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट बनाता है, यह कार्बोनिक अम्ल कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट बनाता है, कार्बोनिक अम्ल कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट बनाता है। इसमें ये दोनों पॉइंट ऐड उतारें आप, ठीक है। दोनों पॉइंट्स उतारे तो ये रासायनिक कक्ष के 6 पॉइंट्स हैं, अपन ने इस क्लास में किए हैं पूरे 6 पॉइंट्स को आप क्लियर से अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और रिवीजन करेंगे इसका बार बार, तो आराम से इसमें कुछ अभिक्रियाएं भी हैं वो याद हो जाएंगी, सिंपल सी हैं अभिक्रियाएं भी, ज़्यादा हार्ड है नहीं, कुछ अभिक्रियाएं चलेंगी आपकी बुक में तो इतनी हार्ड अभिक्रियाएं है नहीं, तो ये तो आपको थोड़ा सा पढ़ना ही पड़ेगा। तो आप नियमित रूप से क्लास लेकर के उसका रिवीजन करते रहें और रिवीजन जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। इसके आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।